जब बच्चों या स्टूडेंट को पूछा जाता है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तब उनका जवाब इंजीनियर बनना है। कई लोग अपने गोल सही तय करने में कामयाब रहे हैं और कई बच्चे ऐसे जवाब पेरेंट्स कहने पर देते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन उनकी रुचि फील्ड चुनने में और जॉब में क्या काम करना है ये सारी बातें बिना एक्सप्लोर किए बोल देते हैं कि इंजीनियर बनना है। हर कोई जानता है कि एक गलत कदम किसी के करियर को बर्बाद कर सकता है और साथ ही सोच और समझ से उठाया गया एक कदम जीवन को बदल सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इंजीनियरिंग की बेस्ट स्कोप वाली ब्रांच और फ्यूचर स्कोप वाली ब्रांच कैसे चुने। आज की इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, राज सपोर्ट चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इंजीनियरिंग करियर कैसे चुने। तो नंबर वन, अपने आप से पूछे कि आप क्या करना पसंद करते हैं। नेचर ने सभी लोगों को टैलेंट दिया है, इसे आपको परखना है। ये आपको सही रास्ते बनाने में मदद करेगा और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इसमें कोई काम करने की रुचि छुपी नहीं है, सब में है। लेकिन हमारे देश में कोई अच्छा करने वालों पर सवाल उठाया जाता है और गलत नजरिए से देखते हैं, जिनके वजह से गोल पर सही तीर नहीं लगता। साथ में ऊपर से अपने पेरेंट्स और रिलेटिव हमें गाइड करके दूसरे करियर चुनने की सलाह देते हैं, या कई स्टूडेंट सेवन्थ लेवल पर सब बदल जाता है। छोड़ना यार, वैज्ञानिक नहीं बनना, मुझे एक्टर बनना है, अगर आप दूसरे से कहे वो करोगे तो शुरुआत से ही अपना करियर बिखर जाएगा। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, अपनी रुचि को देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कौन से काम करना पसंद है। और कई कारण हैं जो एक इंजीनियर के रूप में आपकी सफलता में योगदान करते हैं। उन कारणों में नंबर वन पर आता है कि आप कोई समस्या को हल करना पसंद करते हैं। क्या मेरी नई चीज़ों के बनाने में क्रिएटिविटी है? क्या मैं चैलेंजिंग को सामना करने में पसंद करता हूँ? क्या मैं एक लीडरशिप कर सकता हूँ? क्या मैं डीप थिंकिंग और एनालिसिस कर सकता हूँ? क्या मेरे में इनोवेशन है? क्या मेरे में विजुअलाइजेशन करने की क्षमता है? अगर आपका ये सवालों के जवाब हाँ है तो इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए आपकी सही मानसिकता है। नंबर दो, इंजीनियरिंग के प्रकार देखें। अब आपको देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस इंजीनियरिंग स्ट्रीम से साथ मिल खाता है। इंजीनियर बनने के लिए कई फील्ड हैं, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर, एरोनॉटिक्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे। हमने ऐसे बहुत से लोगों को भी देखा है। एक सिविल इंजीनियर भी सॉफ्टवेयर फील्ड में नौकरी पाने की इच्छा रखता है। इसका रीज़न यही है कि वह सिविल इंजीनियर के रूप में काम करते समय भारी मशीनों और ऑटोमोबाइल साइट पर खड़े रहना, पुल, कॉलम और पाइपलाइन और भी कई चीज़ों से निपटना नहीं चाहता है। और दूसरा रीज़न ये है कि ऊँचाइयों से निपटना काफ़ी साहसिक है, लेकिन जोखिम भरा भी है। इसलिए वो कंप्यूटर साइंस के लिए जाना पसंद करते हैं, जहां उन्हें सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना होगा। ऐसा एटमॉस्फेयर वाली जॉब कौन नहीं पसंद करते, सभी पसंद करते। ये मानसिकता ये बताती है कि आपने सोच समझे बगैर इंजीनियरिंग फील्ड की पसंद की गई है और इसमें कोई टैलेंट नहीं है। नंबर थ्री, इंजीनियर टेंथ के बाद बने या तो ट्वेल्थ के बाद। सबसे पहले तो आपको विज्ञान और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट्स में अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हर ब्रांच में ये दोनों सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। लगभग सभी इंजीनियरिंग ब्रांच सब्जेक्ट में विज्ञान यानी कि साइंस और मैथमेटिक्स का हिस्सा देखेंगे। इंजीनियर बनने के लिए आप टेंथ के बाद ट्वेल्थ साइंस के बाद प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन प्रवेश मेरिट के हिसाब से होता है, इसलिए आपको टेंथ या ट्वेल्थ में 80% के ऊपर टकावारी लानी होगी। आज भी कॉम्पिटिशन है और आगे भी बढ़ेगा। आज भी कई स्टूडेंट टेंथ के बाद डिप्लोमा करते हैं, फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक में प्रवेश करके एक इंजीनियर के रूप में निकल जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट 12वीं+ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में खुद को नामांकित करने में असमर्थ है।
यदि आप ऐसा करते हैं तो सीधे सेकंड ईयर में प्रवेश मिलता है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेम को छोड़कर थर्ड सेम में प्रवेश मिलता है। इसलिए आपको यह विचार करना है कि मैं 80% लाने में कैपेबल हूँ, क्या मेरे में 11-12 साइंस करने की ताकत है। यदि आप में स्ट्रेंथ है तो ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज 10th क्लास के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं, फिर चाहे तो आगे डिग्री यानी कि D2D कर सकते हैं। नंबर 4, एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लें। आगे बताए गए 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद अच्छे कॉलेज की तलाश करनी चाहिए। आज इंडिया में कई इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें से फेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल है। इसलिए आप इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस कॉलेज की मान्यता, प्लेसमेंट, फीस के बारे में सारी बातें पता करें। अगर आप जांच करने में वीक है तो कोई फ्रेंड से गाइड ले, या तो सबसे अच्छे सुझाव लेने के लिए आपके आसपास गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर या स्टूडेंट से गाइड ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो 10th या 12th में पढ़ाई की वहाँ के अपने फेवरेट टीचर से अनुरोध करें कि आपको वो गाइड करें। साथ में आपको इंजीनियरिंग ब्रांच पसंद करने में कन्फ्यूज है तो वो भी सवाल पूछ सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको सेल्फ थिंकिंग करके ये भी देखना है कि मैं कॉलेज में जिस इंजीनियरिंग ब्रांच सिलेक्ट कर रहा हूँ इसकी डिमांड है, क्या मुझे जॉब मिलेगी, और ऐसे कोर्स के लिए जाना जो आपके हितों से मेल खाता है लेकिन आपका फ्यूचर की संभावनाओं के बारे में भी ध्यान रखें। जब आप अपने पसंदीदा इंजीनियर ब्रांचेस में एडमिशन लेने के बाद कॉलेज शुरू हो, इससे पहले अपनी ब्रांच के हिसाब से ऑनलाइन बुक्स पढ़ना जारी कर दें। इसी रिलेटेड कोई TV शो यानी कि डिस्कवरी जैसे चैनल देखें, या तो YouTube पर प्रैक्टिकल वीडियो देखें, जिससे आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के साथ साथ अच्छे रिलेशन बना सके। तो ये बातें थी इंजीनियरिंग के टॉप ब्रांच या फ्यूचर स्टॉप वाली ब्रांच चुनने के बारे में और अच्छे कॉलेज चुनने के बारे में। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।